सो हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के ट्यूटोरियल वीडियो में। तो मेरा नाम है रिवक्सी और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं तो गाइज, अभी आपने जो डांस वीडियो देखा, यह डांस अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर आप भी रील्स पे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो इस डांस को सीखकर ऐसा वीडियो बनाकर आप भी अपने आईडी पे ढेर सारे व्यूज पा सकते हैं इस डांस को करके। और गाइज, बहुत लोगों के ऐसे कमेंट थे कि भैया मुझे टाइगर सर के कुछ डांस स्टेप बताइए, टाइगर श्रॉफ के जैसा डांस करना सिखाइए। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस स्टेप्स को सीखिए और इस स्टेप्स को सीखने में, इस डांस को सीखने में आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत ईजिली आप इस पूरे स्टेप्स को सीख भी जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस स्टेप्स को सीखना शुरू करते हैं। गाइज, इस पूरे डांस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को इस तरह से ओपन करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे थोड़ा सा आगे। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को आगे रखना है, इसे यहां से मूव करना है, इसे पीछे लेके जाना है। साथ में जो हमारा राइट हैंड है इसे इसके साथ साथ आगे लेकर आएंगे इस तरह से। सबसे पहले इसमें हम हैंड मूवमेंट ही सीखेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड को आगे रखेंगे, राइट हैंड पीछे रखेंगे और दोनों हैंड एक साथ मूव करेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड हमारा पीछे जाएगा और राइट हैंड हम ऐसे आगे लेकर आएंगे, जिसमें जो हमारा ये शोल्डर है इसे भी हम इस तरह से आगे लेकर मूव करेंगे, ठीक है। शोल्डर से, राइट हैंड को शोल्डर से आगे इस तरह से लेकर आएंगे, साथ में जो हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे पीछे जाएगा एंड फिर से जैसे हम हैंड को पीछे लेकर गए हैं लेफ्ट हैंड को, वैसे ही आगे लेकर आएंगे और वापस हैंड को यहां रखेंगे कमर के पास, ओके। फिर से यहां पे हैंड मूवमेंट देखेंगे, 1, 2, 3 and 4 एंड गाइज, जब हम अपने हैंड को कमर के पास लेकर आएंगे, जैसे यहाँ पे हैंड को टच करेंगे तो अपने लेग्स को बैंड करेंगे, दोनों लेग्स को थोड़ा सा हिल को ऊपर उठाएंगे और ऐसे थोड़ा सा बैंड करेंगे, नी को दोनों बैंड रहेगा हमारा और थोड़ा सा बॉडी को डाउन करेंगे, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारा स्टार्टिंग स्टेप है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और साथ में आपको करना है, तभी आप इस स्टेप्स को सीख पाएंगे, ओके। फिर से करते हैं, चलिए 5, 6, 7 को रेडी, 1, 2, 3, ओके। एंड गाइस, जितना करने के बाद सिंपल है, राइट हैंड हमारा पीछे रहता है एंड यहाँ के बाद जो हमारा स्टेप है, क्या करना है आपको कि राइट एंड लेफ्ट दोनों लेग्स को ऐसे जंप करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे एंड इसे रखेंगे, जस्ट रखने के साथ लेफ्ट लेग उठ जाएगा हमारा, जैसे ही इस पैर को उठा के रखेंगे हम अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे, फिर रखेंगे राइट उठेगा, ठीक है। बारी बारी से लेफ्ट उठाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले आपको अपने लेग से इस तरह से प्रैक्टिस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो हम ये लेग से मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें हील से पूरे पैर से नहीं करना है, ऐसे हील को थोड़ा सा उठाएंगे और टो से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके गाइज। एंड जब इसे डांस में करेंगे लेग मूवमेंट को, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लेग को आपको क्या करना, जो हमारा नी है इसे थोड़ा सा ऐसे राउंड करेंगे, ठीक है। जंप करते समय ये जो हमारा राइट लेग है इसे लेफ्ट साइड से राउंड करेंगे और जो हमारा लेफ्ट लेग है इसे भी हम लेफ्ट साइड से ही करेंगे, दोनों लेग इधर से ही करेंगे। तो आपको सेकेंड टाइम पहले आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, देर अगेन आपको क्या करना है, दोनों लेग को इस तरह से राउंड करना है, ओके। तो फिर से करेंगे इस स्टेप्स को, 1, 2, 3, 4, अब इसे राउंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एंड गाइज, इसे आपको बस दो बार करना है एंड फिर से हम अपने सेम स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे, एंड अगेन 1, 2, 3, 4। एंड गाइज, इसे आपको बार बार रिपीट करना है, दो दो बार करेंगे स्टेप्स को, 1, 2 and 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, ओके। तो गाइज, एक बार फिर से करते हैं इसे काउंट पे, आप भी साथ में करते रहिए, चलिए 5, 6, 7 गो रेडी, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, ओके गाइज। तो आई होप कि आप इस स्टेप्स को सीखे होंगे। एक बार इसे फिर से हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जैसे इसमें डांस में जो स्पीड में करना है उस स्पीड में हम इसे
काउंट पे करेंगे एंड देन हम इसे म्यूजिक पे भी ट्राई करेंगे और इस स्टेप्स को खत्म करेंगे। वह फिर से करते हैं, चलिए 5 6 7 को रेडी, 5 6 7 को रेडी, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। इतना करने के बाद गाइस जो हमारा इसके आगे स्टेप है वो आपको इस तरह से करना है, 1 2 3 and 4। ओके, नॉर्मली आपको लेफ्ट राइट मूव होना है, लेफ्ट राइट इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4। साथ में हैंड मूवमेंट क्या है, 1 2 3 and 4। ओके, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। ओके गाइस, तो इस पूरे स्टेप को हम म्यूजिक पे देखते हैं। तो आई होप गाइस कि आप इस पूरे डांस को सीख चुके होंगे, तो आपको इसे प्रैक्टिस करना है, आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर और उतना ही अच्छे से आप इस पूरे डांस स्टेप्स को कर पाएंगे। तो इसी तरह के और भी ट्रेंडिंग के नए नए डांस स्टेप सीखते रहने के लिए, डांस ट्यूटोरियल के वीडियोज हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नए वीडियो में एक नए डांस स्टेप्स के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।